की समरथ परमात्मा ही निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालन दाता परम्पार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सात संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी, समागम के दूसरे दिन आज जहाँ फिर एक बार ध्यान इस परमात्मा की ओर सभी वक्ता महापुरुष, गीतकार महापुरुष, गीतों वाले, स्पीच वाले, कविताओं वालों ने यही लगाया कि माध्यम जो भी हो ये परमात्मा पे ही अपने आप को आधारित रखें, मन को स्थिर रखने के लिए जहाँ एक इतने फोकस चैनलाइज्ड एक करने का तरीका यही परमात्मा है। तो कैसे हम अगर अपने आप में सोचें कि कैसे जीवन काल में अगर देखते चले जाएं कि कोई अगर छोटा बच्चा हो उसको कभी स्कूल के ईयर्स में पढ़ाई में थोड़े से अगर तैयारी बहुत अच्छी की हो और परिणाम में उतने अच्छे मार्क्स ना आए तो मन फिर अस्थिर हो जाता है कि कैसे एक इतनी तैयारी, इतनी मेहनत, इतनी लगन से करने के बाद भी जब रिपोर्ट कार्ड हाथ में आई तो जो सोचा उससे कम मार्क्स आए, तो ये मन का ये स्वाभाविक रूप में अस्थिर हो जाना कि ये हुआ कैसे। और घर वालों ने भी हो सकता है कुछ कह देना ऐसा कि इतनी अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करी होगी तभी परिणाम खराब, और ये मन उस स्टूडेंट का व्याकुल होना कि सब पढ़ाई पूरी और इतनी प्रैक्टिस के बाद भी ये कम मार्क्स का आना, समझ जब ना आना, और फिर ये शिकवे परमात्मा से करना। और ऐसे ही अगर आगे चलें तो किस तरह अगर कोई रिश्ता किसी का किसी के साथ मुकम्मल ना हो तो किस तरह फिर एक ये कंप्लेंस मन में आना, एक इस तरह से कि जब तक तो सब ठीक था तब तो सब अच्छा लगना, और जैसे ही कोई बाधा आई उस रिश्ते में तो कैसे फिर वही व्यक्ति एक उससे बदला लेने की भावना तक मन में आनी, और आजकल कैसे सोशल मीडिया को भी यूज करना कि एक दूसरे इंसान को डिफेम किया जाए क्योंकि इसने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी हमें एक उस तरह का जो हम रिजल्ट चाह रहे थे वो एक कमी हो जानी या कुछ
तो आगे चलते हुए जीवन की यात्रा में जब एक टूवर्ड्स कह लो बुजुर्गी या थोड़ा उसमें और उससे भी कम आयु में जब अपने आगे किसी के बच्चे होने या देते पोते होने के कैसे एक ग्रैंड चिल्ड्रन की एज में भी उन्होंने देखना कि किस तरह एक जीवन में क्या उनके जॉब्स लगे हैं नहीं लगे, नहीं लगे तो सिर्फ उसको ही एक व्याकुल मन ना होना, पूरे परिवार का साथ में परेशान होना, तो कैसे ये देखा गया है कि मन अस्थिर किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये कैसे एक थ्रू आउट लाइफ हम किसी भी एज के टाइम फ्रेम में होना तो भी ये स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सिचुएशन वाइज अस्थिरता लाएगा, पर हमने अपने आप को ऐसे समय में भी कैसे स्थिर रखना है। यहाँ उसी को ही सिचुएशन को रिवर्स करके देख लें कि जब किसी स्टूडेंट के कठिन परिश्रम के बाद भी कम मार्क्स आए तो वो ऐसा कुछ सोच लेना कि शायद मेरी ही कमी रह गई होगी या कुछ भी कि चलो कम आए हैं तो कोई बात नहीं, मैं अगले साल की मेहनत और लगाऊंगा। तो कैसे आगे आगे चलते हुए देखें कि अगर कोई रिश्ता भी दरार पड़ गई उस रिश्ते में तो कैसे मान लेना कि ठीक है मैं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहा, दूसरा मेरा नहीं समझ पा रहा, तो इस चीज को एक हैप्पी नोट पे ही रखा जाए, कोई पुरानी अच्छी यादों को मन में बसाया जाए और उसी के साथ आगे चला जाए। और फिर आगे अगर किसी का फैमिली में देख रहे हैं कि ग्रैंड चिल्ड्रन में किसी की जॉब वाइज कोई दिक्कत आ रही है या आगे जैसे कुछ कल्चर्स में होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स का एक ये थोड़ा सा अस्थिरता आ जाती है देख के कि एक सर्टन एज में सर्टन कार्य ग्रैंड चिल्ड्रन अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका भी फिर उस तरह ये देखा गया कि अगर वो भी उस समय देखें कि ये परमात्मा की रजा में ही हो रहा है, इसी में ही कोई बेहतरी होनी है, तो वहां उनका मन भी अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। तो कैसे ये स्थिरता हम हर सिचुएशन में ला सकते हैं, वही चॉइस की बात, वही विवेक की बात, वही चेतनता की बात, कि इसी के हेल्प से हम जब इस परमात्मा के अंदर इस तरह इससे अपनी एक मिला लेते हैं, ट्यूनिंग कर लेते हैं, तो फिर ये जो लिव जुड़ी है ये फिर हर कार्य में हमने परमात्मा का ही एक कर्ता दिखाई देगा कि ये इसी के आश्रय हो रहा है, इसी के हुक्म में हो रहा है, तो उसमें सब फिर अच्छा ही दिखेगा। तो कैसे फिर इस परमात्मा का अगर हम आसरा लेंगे तो इसी का ही दिखेगा कि कर्ता भाव, ये हमारा परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, हम एकदम अकर्ता हैं। और उसी में हम देखें कि फिर एक अगर किसी से हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं तो कैसे वो सुंदर होते जाते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। तो कैसे ये एक अगर दुश्मनी करी है किसी से तो उसका परिणाम सभी को पता है कि मन में जैसे ही एक नेगेटिव भाव दूसरे के लिए आए तो अगर तो ये दो तरफा एक बात है तो फिर एक कठोर वचन एक बोलता है सामने से दूसरा बोलता है, तो ये अपना भी दोनों ने मन खराब करना और आसपास अगर कोई सुन रहे हैं उनको भी ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एक झेलना पड़ेगा। तो कैसे अगर ये एक तरफ एक भी समझदार हो तो दूसरा अपनी तरफ से तो एक दुश्मन बन के किसी का उसके लिए कुछ गलत बात बोल रहा है, पर वो ही अगर चुप हो जाए शांत हो जाए या आगे से एक यही अरदास परमात्मा से कि इसको समत बख्शो, इसके अंदर वो समझदारी बख्शो कि ऐसे वचन ना निकाले, तो कैसे वो बात जल्दी वहां पे ही थम जाती है। और अगर कोई ये भी सोचे कि कई बार देखा गया है
कोई बहुत अच्छे अगर फ्रेंड्स एक टाइम पे और इतने साल बीच के कोई खटास की वजह से बात नहीं कर रहे, तो इतने साल वो व्यर्थ भी गवा दिए और एक मन में कहीं ना कहीं वो ख्याल, क्योंकि अंदर से अगर एक केयर थी एक टाइम उनके लिए, तो वो उस तरह कायम भी रहनी, कुछ मन में आना कि एक फोन उठा के कॉल की जाए, और फिर ये ईगो मन में आनी कि नहीं ये तो उसने ऐसा कहा था तो मैं नहीं ये करूंगा फोन, तो कैसे एक या तो इतना भी प्रलोंग अगर कुछ खिंचता है, अंत में वही होता है कि जब एक होना फिर इकट्ठे, तो फिर अपने आप में ये सोचना आपस में जब बात करनी कि हमने इतने साल तो व्यर्थ कर दिए, क्योंकि जहां ये नेगेटिव भाव आते हैं वो तब तक ही खड़े हो सकते हैं जब तक हमारा मन उनको अकोमोडेट करेगा। जिस पल इस मन में हमने परमात्मा को डाल लिया और फिर मन स्वच्छ हो जाता है, तो वहीं एक ख्याल भी आ जाना कि हम इतनी ही जिंदगी है, इतने ही वर्ष हैं हमारे, तो उसको किस तरह बिताया जाए, उसको फिर एक अच्छाई के रूप में एक हर एक के साथ अच्छा करने में ही बिताया जाए। फिर ये वजूद नहीं, एक पकड़ नहीं बना सकते अंदर मजबूती से कुछ भी जो नेगेटिव हो, तो ये चेतनता मन में रखनी और कैसे इसी के ऊपर हमने और अपने आप को सुधारना कि हाँ हर दिन में हो सकता है गलतियां हम सबसे होती रहें, पर कैसे कोशिश करके कि एक अपनी गलती से ही खुद को इस प्रकार सुधार लें कि आने वाले दिन कहीं वो गलती से भी वही पुरानी वाली एक जो आदत बुरी उसको रिपीट ना किया जाए। तो इसी प्रकार हम हर एक के जहां जीवन में अपनी तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वहीं एक स्वयं भी हमें अच्छा लगेगा कि हमने किस प्रकार अपने मन पे धीरे धीरे वो स्थिरता और मजबूत कर ली। तो जैसे अभी हमने देखा पिछले दिनों जो 23 फरवरी को भी मेरे हरदेव की जो ऑडियो बुक लॉन्च भी हुई, कैसे जो आप सभी महापुरुषों ने जहां वो पुस्तक भी पढ़ी, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हमेशा से जो भी टीचिंग्स हैं वो एक एक विचार में ही अनेकों हमें चीजें उसमें से अगर पॉइंट्स देखें और अपना कितना उससे सुधार हो सकता है, वहीं कहीं कह लें कि एक ऑडियो के रूप में कि अगर कहीं हम चाहे कार में ट्रैवल कर रहे हों तो वो टाइम भी है कि उसमें अगर ये एक रीड आउट एक स्टोरी की तरह एक रीडिंग की तरह वो बुक ऑडियो बुक में जो है, तो वो भी हम बिना पढ़े पुस्तक को भी कान तक वो अच्छे भाव श्रवण कर सकते हैं। तो ये सभी टीम का जो एक एफर्ट रहा वो सराहनीय है। तो कैसे हर एक ने ये योगदान दिया और ये सेवा भाव सभी का, तो ये बात हमेशा से जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपनी हर विचार में फोकस करके बोलते थे कि ये परमात्मा को अगर हम पा लें, इसकी जानकारी ले लें, तो हमारा जीवन कैसे सुखमय हो सकता है। और अगर ये बात है कि लोक सुखी पर लोक सुहेला वाली बात, और अगर चलो कोई आज की जनरेशन में ये भी अगर बात बोले कि हम तो एक करंट टाइम की ही बात करना चाहेंगे, हमें नहीं पता कि हमारे पुराने जन्म थे नहीं थे, या ये 84 लाख योनियां कोई चीज होती हैं कि नहीं होती, तो भी ये देखें कि इस जिंदगी में जो अभी हमारे सामने है करंट है, तो कैसे हम इसको ही सुधारने की बात करें आगे पीछे अगर नहीं भी सोचें, तो यही है कि कैसे अपने पल पल के सुधार के लिए हमेशा इस परमात्मा का एहसास होना, क्योंकि स्थिरता में हम वही कर सकते हैं कि इस एहसास के कारण ही मन स्थिर होगा। और वहीं ये महाराष्ट्र का जहां समागम हो रहा है, तो जहां महाराष्ट्र की ही धरती के संत मुक्ताबाई जी भी कहते हैं जगिया ब्रह्म दिसे उगड़े, ये भगवान ये परमात्मा ओपनली देखा जा सकता है, इन्हीं आंखों से देखा जा सकता है। तो कैसे
हम इस परमात्मा को देख सकते हैं। जब ये हम ऐसा कर लें तो फिर हमें अपनी भी एक असल पहचान कि हम ये शरीर नहीं हैं, उस पे हम आधारित होकर अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो जैसे आज सुबह भी सेवादल रैली के रूप में जो मैसेजेस ये स्किट्स में भी देखे गए कि कैसे एक सेवा का जो भाव है मानवता के लिए, वो हर एक ने, ये मिशन ने एज अ होल या इंडिविजुअल लेवल पे हर महापुरुष ने कैसे दुनिया के लिए अपने आप को अर्पण किया और मन में कोई एक ये अहम का भाव नहीं कि मैं कुछ करने वाला हूँ। सारा क्रेडिट इस परमात्मा को कि इस परमात्मा ने क्षमता दी है तो ये शरीर कुछ चल पा रहा है, कुछ किसी के लिए, कुछ हम अपने हाथ पैर चलाकर कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो कैसे एक, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक एक लेडी होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो हर समय उसको एक अपनी तबीयत का ख्याल सबकॉन्शियसली एक साइड बाय साइड चल ही रहा होता है, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रही हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी। तो एक ये देखते हुए कि खाते पीते, काम करते, कुकिंग करते या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज वो कर रही हैं, तो ये पता है कि मुझे हमेशा कुछ तेजी से नहीं चलना, कुछ भार नहीं उठाना। तो ये चीज बार बार उसको एक याद नहीं कराई जाती कि ऐसा ना करो, आप प्रेग्नेंट हो, पर वो एक नेचुरल, एक इंस्टिंक्चुअली पता होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत उस तरह करें कि अंदर एक जो और जान है एक, तो वो उसका ख्याल करते हुए। तो कैसे ये चीज भी कि परमात्मा का एहसास इसी तरह का हर एक में होना चाहिए कि एक हम चाहे कुछ भी हो, जो कहा भी जाता है हथ कारवल दिल यारवल, कि हम कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे हमारे हाथ कोई भी काम कर रहे हो, पर ये मन हमारा इसी परमात्मा में लगा रहे, यही एक सही मार्ग है जो युगो युगो से भक्तों ने, संतों ने बताया है कि भक्ति के मार्ग पर ही रहकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हमारी रूह भी ये सब बंधनों से मुक्त होकर एक सर्वेशन को प्राप्त कर सकती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसी ही स्थिरता वाला जीवन, एक सहजता वाला जीवन हर एक के हाथ में हो, हर एक उसी तरह से अपना जीवन जीता चला जाए। तो यही अरदास की परमात्मा का ही आसरा लेकर जब हम हर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इंटेंशन जो है उसको अगर पॉजिटिव करने की तो वो एक पॉजिटिव ही होता जाएगा। और हाँ, ये भी देखा गया है आजकल कि अगर कोई नेगेटिव काम करने में भी दलील देने में बोलता है कि अगर परमात्मा के बारे में सोच लिया पर इंटेंशन हमारी नेगेटिव है तो भी ये जरूर एक सफल होगा। तो उसमें भी हमें पता है कि ये हमारे दिमाग की एक चालाकी है और परमात्मा को तो एक इनोसेंट, जैसे बच्चों का भी एग्जाम्पल बहुत बार आता है कि वो बच्चे चाहे कितने भी चुलबुले हों, उनकी एक इनोसेंस हर एक तक पहुंचती है, कोई चतुर चालाकियां नहीं। तो हम कैसे अपने आप को भी एक उस रूप में चाइल्ड लाइक बना पाए कि इनोसेंस से इतने भर जाएं कि मन इतना साफ हो जाए कि फिर कोई छल कपट ना हो उस मन में। तो तातार सभी को ऐसा जीवन बख्शे कि एक रस होकर भक्ति को पूर्ण करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। आइए हम सभी मिलजुल कर परमादरणीय महात्मा विवेक देवरुखकर जी और इनके साथियों के साथ धुनी सिमरन में शामिल हो जाए। तेरी ओट सारा तेरा तन मन घोल घुमावा कहे अब तारे तेरे दाता दिन राती
कहे अवतारे तेरे ही दाता दिन राती।